Please subscribe our channel and press the bell icon. Hi guys, आज मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपको डेमो लेक्चर देने जा रहा हूँ। इस डेमो लेक्चर में आपको थ्री टाइप का लैंग्वेज से सिखाया जाएगा, जिसमें रहेगा पहला बेसिक कोर्सेज हिंदी टू इंग्लिश, और इसके बाद आएगा स्टैंडर्ड कोर्सेज जिसमें मराठी टू इंग्लिश सिखाया जाएगा, और थर्ड आएगा एडवांस लेवल कोर्सेज इंग्लिश टू इंग्लिश। तो सिर्फ 5-5 मिनट का ये डेमो लेक्चर एक ही वीडियो में रहेगा, आपको 15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो इसमें सारी चीजें आपको सिखाई देगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो लेक्चर है एक ही वीडियो में, फर्स्ट थ्री टाइप पार्ट में 1, 2, 3, यस, तीनों 15 मिनट्स का है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टेंसेस। हम टेंस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेंस को हम इंग्लिश का बैकबोन मानते हैं। इस टेंस के ही हिसाब से हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं हमें पता नहीं चलता है, कि हमें हेल्पिंग वर्ब कहां से पे डालना है, हमें एक्शन वर्ब कहां पे डालना है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑल थिंग्स वी विल इंक्लूड इन टेंसेस। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस क्या है। टेंस, तो टेंस का मतलब क्या है कि ये हिंदी में बोलते इसके उसे काल, काल मतलब समय। तो किस सेंटेंस को किस काल में बोला जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भविष्य की बातें बोलना चाहते हैं और गलती से पास्ट में बोल देते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट की बातें बोलना चाहते हैं पर गलती से फ्यूचर में बोल देते हैं। तो हमें टेंस का नॉलेज 101% होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि टेंस का मतलब क्या है, तो बहुत सारे लोगों को टेंस का कंजुगेशन पढ़ने में प्रॉब्लम हुई। तो टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान काल। सेकंड इज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और थर्ड इज फ्यूचर टेंस। सिमिलर प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर सब टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड हैबिटुअल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज हैबिटुअल प्रेजेंट टेंस, यस। एंड सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जो भी चीजें हमें प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, जैसे मैं एग्जांपल लोगे तो मैं पढ़ा रहा हूं, यस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है कि कोई भी चीज प्रेजेंट में है लेकिन परफेक्ट, परफेक्ट मतलब क्या होता है कि कंप्लीट हो चुका है, यस। नाउ फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट में भी चीजें हैं और कुछ पोर्शन उसका कंप्लीट हो चुका है। तो इसका हम एक बार जानना चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं इसको, SPT सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यस। अब सिमिलर पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलर फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानें। सबसे पहले ये इसका पहचान क्या है कि प्रेजेंट टेंस में क्या पहचान है। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं ऐसा शब्द आता है तो ये प्रेजेंट टेंस में गिना जाता है, और प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी है, ये किसे क्या बोलते हैं हम, वर्ब टू बी, यस, वर्ब टू बी के टाइप का हम सेंटेंस है यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो उसका मेन पार्ट क्या क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, एक्शन वर्ब आता है एंड ऑब्जेक्ट, यस। नाउ सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे इसमें क्या है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब डाले, या अगर एक्शन वर्ब हो तो
यस, यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस में यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है, तो इस एक्शन वर्ब को हम कट कर दे रहे हैं। तो कैसे, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में अगर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या डाला जाता है, सिंगुलर नंबर के साथ इज डाला जाता है, और अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा आर। अगर ये चीज हम पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में सिंगुलर नंबर के साथ अगर आप देखोगे सिंगुलर नंबर के साथ तो वॉज डाला जाता है, क्या डाला जाता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। और अगर ये फ्यूचर में आप जाओगे तो विल बी और शैल, ये चीजें डाला जाता है। Yes? अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नंबर का सेंटेंस के कैसे, जैसे ही शी इट नेम दिस दैट माय फ्रेंड योर फ्रेंड हिज फ्रेंड हर फ्रेंड एंड आवर फ्रेंड, ये सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है, इनके साथ हेल्प होता है यूज हेल्पिंग वर्ब इज। तो एक ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि वह एक विद्यार्थी है, तो वह का मतलब क्या होता है, ही का सिंगुलर नंबर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, इज, क्या यूज होता है, इज। तो ही इज वह है, वह क्या है, विद्यार्थी है, मतलब अ स्टूडेंट। यहाँ पे देखने की बात यह है कि ही के साथ इज कंबाइन करो और स्टूडेंट के साथ अ कंबाइन करो, इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, कैसे करते हैं, He is a student. He is a student. Yes, he is a student. मतलब he is a student इस तरीके से न बोलकर कैसे बोलेंगे, he is a student. He is a student. मतलब he is a student. कुछ लोग क्या करते हैं, is student. Is student. Is शब्द नहीं. He is student. He is a student. मतलब he के साथ is और student. A student. ये दोनों चीजें combine करके करते हैं. Next sentence अगर लेंगे तो she is a student. She is, मतलब हम कभी कभी इसको अपोस्ट्रोफी से भी डिनोट करते हैं, उस टाइम पे कैसे करते हैं, अगर ही रहता है और अपोस्ट्रोफी देते हैं, मतलब his, मतलब he is, ये दोनों कंबाइंड है, he is ऐसे नहीं, his a student, इस तरीके से, मतलब वह एक विद्यार्थी है। नेक्स्ट, she is a student, वह एक विद्यार्थी, तो she का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वह, और he का मतलब क्या होता है, वह, she लेडीज के लिए या गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ही मैन और बॉय के लिए यूज किया जाता है। यस, जनरली बॉय के लिए ही ना यूज करके हम दैट भी यूज करते हैं। यस, शी इज अ स्टूडेंट, मतलब वह एक विद्यार्थी है। नेक्स्ट, इट इज माय बैग, इट इज, मतलब इट इज को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इट देते हैं अपोस्ट्रोफी एस, इट्स, कुछ लोग कैसे बोलते हैं, इट्स माय बैग, मतलब यह मेरा बैग। यस, नेक्स्ट, मोहन इज अ बॉय, मतलब मोहन इज अ बॉय, ये न बोल के कैसे बोलोगे, मोहन इज अ बॉय, मतलब मोहन इज अ बॉय, ऐसे सेपरेटली नहीं करेंगे, मोहन एक साथ में इज, मतलब मोहन इज अ बॉय, इज अ बॉय, ये दोनों इनके साथ ये कॉम्बिनेशन आप कराते हैं, अबॉय और मोहनी, इन दोनों का ऐसे कॉम्बिनेशन करते हैं। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ बैग, ये बहुत ही स्लो इंग्लिश हो जाएगी, कैसे बोलेंगे, दिस इज अ बैग, मतलब दिस इज अ बैग, इस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं, इस तरीके से आप मेनी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। यस, इस तरीके से हमारा सिंगुलर नंबर और प्रेजेंट टेंस का ये वर्ब टू बी का पार्ट थोड़ा से कंप्लीट होता है। अगर हम यही चीजों को पास्ट टेंस में जाकर देखें तो किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करना पड़ता है, एग्जांपल पास्ट टेंस कैसे, ही वाज इकट्ठा किया जाता है एकत्र, तो इसे कैसे किया जाता है, ही वाज, वाज को ऐसे शॉर्ट कर लो, कैसे बोलोगे, डब्ल्यू, He was a farmer. मतलब वह एक किसान था। अगर ये पास टेंस में करते हैं तो है ही के स्थान पर क्या हो जाता है, था, थे, थी। She was a government servant. मतलब she was इकट्ठा और a government servant ये इकट्ठा। इस तरीके से हमें बोला जाता है। She was a government servant. वह एक गवर्नमेंट अधिकारी या नौकर थी, मतलब नौकर के नहीं, अधिकारी आप बोल सकते हो, सर्वेंट मतलब ऐसे नौकर होता है पर अधिकारी भी यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे इट वॉज हर बुक, इट वॉज हर बुक, इट वॉज
It was मतलब ये दोनों चीजें कंबाइन करके करेंगे. It was her book. वह उसकी पुस्तक या उसकी पुस्तक थी. यहाँ पर क्या होगा? थी. वह एक गवर्नमेंट अधिकारी थी. वह यह पुस्तक उसकी थी. मोहन राजा थी. मोहन एक चोर था. इस तरीके से this was his house. यह उसका घर था. He was, this was his house. मतलब यह उसका घर था. यह past tense में, present tense में करेंगे तो है और past tense में करेंगे तो था. और अगर इसी चीज को हम future tense में लेंगे तो क्या होगा? Will be. मतलब he will be a student. मतलब वह एक student होगी या बनेगी. या कुछ लोग यहाँ पे shall be का भी use किया जाता है. इस तरीके से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है. अब हम सेम लेक्चर क्या करने वाले हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में हम मराठी टू इंग्लिश में देने वाले हैं. यस नाउ आता अपन प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब टू बी आहे तो नेक्स्ट बी कंटिन्यूअस करतो जेव्हा मराठी वाक्याच्या शेवटी आहे आहोत या प्रेझेंट टेंस मध्ये आणि जर पास्ट मध्ये असेल तर काय होता होती होते किंवा होत्या येत असेल आणि फ्यूचर साठी असेल किंवा असेल असं टाइप जेव्हा सेंटेंस येत असेल त्या सगळे सेंटेंसला आपण इंग्लिश मध्ये कसं ट्रान्सलेशन करणार आहे ह्या बाबतीत आपण आता या बघू. यस सब्जेक्ट यस म्हणजे सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर नंबर अँड प्लुरल नंबर आपण देन हेल्पिंग वर्ब अँड प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यस आपण एग्जांपल सिंगुलर नंबर से बघू की नेगेटिव टाइप चे सेंटेंसेस कसा आपण बनवायचे जेव्हा प्रेझेंट टेंस मध्ये असेल तेव्हा. एग्जांपल व तर हेला इन मराठी मध्ये आपण काय म्हणू तो काय म्हणू आपण तो काय होता तो एक विद्यार्थी नाही तो म्हणजे काय इंग्लिश मध्ये ही तो नाही he is not आणि तो काय नव्हता नाही अ स्टूडेंट he is not अ स्टूडेंट. इसको पहला कैसे आपण करायचं ही इज नॉट ला कंबाइन एकत्र करायचे प्रयत्न करायचं मग शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हणायचा प्रयत्न करायचं कसं म्हणायचं he is not he isn't a student he isn't अदरवाइज he is not a student he isn't अ स्टूडेंट मतलब तो एक विद्यार्थी नाही हे निगेटिव सेंटेंसेस आहे. ठीक आहे तो एक विद्यार्थी नाही कसं म्हणते ही इज नॉट अ स्टूडेंट ही इजंट अ स्टूडेंट. यस ही इजंट अ स्टूडेंट तो एक विद्यार्थी नाही. नेक्स्ट ती चोर नाही ती चोर ती मतलब म्हणजे काय मुलगी आहे ती काय नाही चोर नाही तर शी इजंट म्हणजे इज नॉट ला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये काय म्हणतो इजंट शी इजंट अ थीफ ती चोर नाही तर ती चोर नाही आहे किंवा ती चांगली मुलगी नाही हे सगळे आपण निगेटिव्ह सेंटेंसेस बनवत आहे आणि तो पण सिंगुलर नंबर मध्ये आधी प्लुरल नंबर चे आहे तर शी इजंट अ गुड गर्ल she isn't a good girl म्हणजे ती नाही she isn't ती नाही काय नाही a good girl म्हणजे चांगली मुलगी. यस नेक्स्ट सेंटेंस आपण जेव्हा पास्ट मध्ये बघत असेल ह्या गोष्टी तर कसं ट्रान्सलेशन करायचं तो एक विद्यार्थी नव्हता म्हणजे आपण काय म्हणतो पास्ट मध्ये तर तो म्हणजे ही नव्हता वॉज नॉट आणि काय नव्हता अ स्टुडंट एक विद्यार्थी अ स्टुडंट म्हणजे एक विद्यार्थी ही वॉज नॉट अ स्टुडंट म्हणजे तो एक विद्यार्थी नव्हता. इंग्लिश मध्ये शॉर्ट फॉर्ममध्ये कसं म्हणायचं ही वॉजंट अ स्टुडंट म्हणजे तो एक विद्यार्थी नव्हता. गुड ती चांगली मुलगी नव्हती म्हणजे हे सेम गोष्टी आपण पास्ट मध्ये बघत आहे ती चांगली मुलगी नव्हती म्हणजे she wasn't a good girl म्हणजे ती चांगली मुलगी नव्हती. आता जर ह्या गोष्टीला आपण पास्ट मध्ये बघायचं असेल तर आपण कसं करणार आहे पास्ट मध्ये he will not be
कैसा मैंने चाहा he will not be a student तो एक विद्यार्थी नसेल तर he will not be a student ती चांगली मुलगी कदाचित ती चांगली मुलगी नसेल she will not be a good girl she will not be a good girl yes now आता आपण प्लुरल नंबर आतापर्यंत सिंगुलर नंबर बघितला आता हे प्लुरल नंबर ला बघू की कसं इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेशन करायचे हे आय आय जे आहे स्पेशल आहे आय साठी जर प्रेझेंट टेंस मध्ये आपण ट्रान्सलेशन करत असेल तर काय वापरतो आय एम आय आय एम असं म्हणायचं नाही कसं ट्रान्सलेशन म्हणायचं आम आम अ स्टुडंट अब आम म्हणजे आय एम आम अ स्टुडंट म्हणजे मी एक विद्यार्थी आहे मी काय एक विद्यार्थी मी आय आय आहे आय एम एक विद्यार्थी अ स्टुडंट मी एक विद्यार्थी आहे आम अ स्टुडंट हे स्पेशल केसेस आहे आणि जर ह्या गोष्टी पास्ट टेंस मध्ये बघायचं असेल तर आय वॉज अ स्टुडंट म्हणजे मी एक विद्यार्थी होतो यस आणि सेम गोष्टी जर पास्ट टेंस मध्ये बघायचं फ्यूचर मध्ये बघायचं असेल तर आय विल बी अ स्टुडंट म्हणजे मी एक विद्यार्थी होईल किंवा होणार यस आता सेम गोष्टी जर आता प्लुरल नंबर साठी बघा यू ऍक्च्युअल मध्ये हे सिंगुलर नंबर आहे पण इंग्लिश मध्ये ह्याला प्लुरल नंबर कन्सिडर करायचं कारण की आपण प्लुरल नंबरच्या हेल्पिंग वर घेतो तर एक्झाम्पल मध्ये यू वी दे दीज माय फ्रेंड्स हिज फ्रेंड्स हर फ्रेंड्स अँड योर फ्रेंड्स इतर एस लावलेला आहे म्हणून हे काय प्लुरल नंबर आहे आणि जर एस काढून दिले तर काय होईल सिंगुलर नंबर मध्ये कन्सिडर होईल जर माय फ्रेंड्स म्हणजे प्लुरल नंबर आणि माय फ्रेंड म्हणजे सिंगुलर नंबर यस सिंगुलर हिज फ्रेंड्स म्हणजे प्लुरल नंबर हर फ्रेंड्स म्हणजे प्लुरल नंबर हर फ्रेंड एस लावलं नाही तर सिंगुलर नंबर मध्ये यस एक्झाम्पल तुम्ही एक माणूस आहे हे प्रेझेंट मध्ये म्हणून आहे वापरतो आहे आहोत हे प्रेझेंट मध्ये आणि होता होती होते हे पास्ट मध्ये असेल किंवा होणार हे फ्युचर मध्ये तर तुम्ही एक माणूस आहे यू आर अ स्टुडंट तुम्ही एक माणूस आहे आणि जर ह्या गोष्टी आपण पास्ट मध्ये करायचं असेल पास्ट ट्रान्सलेशन आम्ही विद्यार्थी होतो समजा एखाद एक्झाम्पल आम्ही विद्यार्थी होतो वी ऑल वर स्टुडंट काय म्हणजे वेअर म्हणतो वेअर नाही वर वी ऑल वर स्टुडंट्स इथं अ लावायचं नाही अ का लावायचं नाही कारण की आम्ही सर्व विद्यार्थी होतो सर्व म्हणजे वी ऑल किंवा आपण सर्व वी ऑल वर स्टुडंट्स आपण सर्व विद्यार्थी होतो आणि या कंडिशन मध्ये यू आर अ स्टुडंट हे आपण लावू शकतो की तुम्ही एक विद्यार्थी पण इथं एक शब्द नाहीये म्हणून आपण डायरेक्टली वर लावतो कारण ह्या प्लुरल मध्ये कन्सिडर पूर्णपणे आहे आणि हे हेल्पिंग वर्ब प्लुरल मध्ये आहे हे ऍक्च्युअल मध्ये सिंगुलर नंबर आहे ठीक आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल जर असे दे ऑल आर स्टुडंट्स इथं अ स्टुडंट लावत नाही दे ऑल आर स्टुडंट ते सर्व विद्यार्थी आहे ते सर्व काय विद्यार्थी आहे आणि जर ह्या गोष्टी आपण पास्ट मध्ये बघायचं असेल तर कसं बघायचं ते सर्व विद्यार्थी होते दे ऑल वर स्टुडंट म्हणजे ते सर्व विद्यार्थी होते नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल थिंग्स व्हिच हैव आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सो सिंगुलर इफ देयर इज अ सिंगुलर नंबर देन वी विल सी in this way he thought he is an engineer and if there is a a e I o u these all are called vowels then we will use and if there is a consonant then we will use a he is a student he is an student he is a student she is a tailor she is a tailor she is a tailor it's my passion it's my passion I'm a doctor in this way we will use helping verb is yes is and now these things for plural number you are a smart boy you are a smart boy we all are famous actors we all are famous actors
Now these things in past tense. How? I was a brilliant student. I was a brilliant student because I consider as a singular number. That's why we will use was. I was a brilliant student. He was a dull student. He was a dull student. They all were naughty boy. The sarva sarati mula mule hoti. Now is लेक्चर में आप पूरी तरह से आप इंग्लिश को सीख सकते हो और यहां पे आप क्या कर सकते हो लर्न इंग्लिश एंड अर्न मनी ये कांसेप्ट भी आया है तो आप लर्न इंग्लिश एंड अर्न मनी के कांसेप्ट से आप इंग्लिश भी सीख सकते हो और यहां से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर थैंक यू Please subscribe our channel and press the bell icon.